नेक्स्ट टॉपिक है 11.1.1 पावर ऑफ अकोमोडेशन। द आई लेंस इज कंपोज ऑफ अ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, तो फाइबरस यानी कि वो थोड़ा मटेरियल स्मूथ होता है, जेली लाइक होता है, मतलब उसका जो चेंज कर सकते हैं उसमें, एकदम ब्रिटल नहीं होता। तो आई का जो लेंस है, मेन जो लेंस ही है, क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक, हमने एक देखा था यहाँ पे, तो ये जो लेंस है, ठीक है, तो फाइबरस जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है, और इससे इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलियरी मसल्स। तो जो सीलियरी मसल्स है आई लेंस के ऊपर के, आई लेंस है उसके ऊपर जो सीलियरी मसल्स है, ठीक है, तो उसके कर्वेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। कर्वेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब उसका फोकल लेंथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको चेंज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो उसकी जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन। तो ये मसल्स अगर रिलैक्स है तो लेंस थिन हो जाएगा। दस इज फोकस लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, तो फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी और दूर हो जाएगी। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इससे क्या होता है कि जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो वो रेज कहाँ पे फोकस होते हैं, फोकल पॉइंट पे होते हैं, ठीक है, तो वो दूर है तो उसको हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. तो जब हम ये फेयर अवे ऑब्जेक्ट्स है, अब जो नियर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखना होता है, तो सीलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली उससे क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। ये जो सीलियरी मसल्स है रिलैक्स है, अब हो गए कॉन्ट्रैक्ट, तो है दिस इंक्रीज इज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो इससे लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। ठीक, द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, तो अभी वो थिक हो गया लेंस। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, तो उसकी फोकल लेंथ जो बढ़ गई थी वो अभी कम हो गई। ठीक, दिस इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। The ability of the eyes, eye lens to adjust its focal length is called accommodation. तो accommodation किसे कहते हैं कि जो eye lens है उसकी focal length adjustment हो जाए, वो ability है, उसको accommodation कहते हैं। तो definition याद रखना, the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain limit. तो उसकी भी limit है कि कुछ तक की limit हो सकती है, उससे ज़्यादा decrease नहीं हो सकती है। सपोज इतनी है, इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती, तो उसको एक मिनिमम लिमिट कहते हैं। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड इमेज, प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। तो यही जो हमारा पेज है, बुक है, तो उसको कोई भी आप पेज लीजिए और उसको अपने आई के एकदम नियर लाइए, तो उसके कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस तक आप देख पाएंगे, उसके आगे का कोई भी इमेज आप नहीं देख पाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो। ठीक है, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड। ठीक है, तो आपने कभी ट्राई किया, सपोज ये पेंसिल है, पेंसिल लो, उसको एकदम आई के नज़दीक लाओ, तो कुछ डिस्टेंस, सपोज मतलब कुछ सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस होगा, उसके आगे लाओगे तो आई पे स्ट्रेन होगा, मतलब लोड होगा, लोड लगेगा आपको और इमेज ब्लर हो जाएगी। ठीक है, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ द आईज। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देखना है और डिस्टिंक्टली मतलब ब्लर ना हो, तो उसको यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। तो आईज से उसको 25 सेंटीमीटर दूर होल्ड करना है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। डेफिनेशन याद रख लेना,
तो आइए, तो उससे जो मिनिमम डिस्टेंस में हम क्लियरली देख पाते हैं विदाउट स्ट्रेन, उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, आई पी एल कोई लोड नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। ठीक है, तो सपोज एक डिस्टेंस है, तो उससे कम मिनिमम डिस्टेंस हो गया, तो उससे कम डिस्टेंस पे होगा तो हमें कोई ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देंगे और आई पे बहुत स्ट्रेन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो डेफिनेशन याद रख लेना, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको नियर पॉइंट कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, तो उसके नियर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे। फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रख लेना, यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, जिसका विजन नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। ठीक है, तो आप अपनी ये खुद ही एक्सपेरिमेंट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना उसको 25 सेंटीमीटर से नियर लाना, तो आपके आईज पे लोड होगा, स्ट्रेन होगा और इमेज ब्लर होती जाएगी। द फार्देस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस नियर के लिए। अब दूर के लिए, तो मतलब कितने दूर के आप इमेज देख पाते हो क्लियरली, इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। द फार्देस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। तो अगर नॉर्मल आई है, किसी को नॉर्मल की कोई प्रॉब्लम, विजन की कोई डिफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन्फिनिटी मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है विदाउट स्ट्रेन। यू मे नॉट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी, उसके बीच के हर एक ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कि हमारी आईज में कोई हमारा विजन नॉर्मल हो, कोई डिफेक्टिव ना हो। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो उस तरह से उसका लेंस होते हैं जो मिल्की और क्लाउडी हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वर्क नहीं करते जैसे बचपन में और यंग एज में करते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ कैटरैक्ट। तो ये डेफिनेशन याद रखना, कैटरैक्ट किसे कहते हैं। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कम्प्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इससे जो विजन है वो पार्शियली लॉस होता है या कम्प्लीटली लॉस होता है, कुछ भी नहीं देख सकते। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो उसके लिए एक सर्जरी है, कैटरैक्ट सर्जरी, उससे हम विजन को रिस्टोर कर सकते हैं। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी हो गया, उस वजह से नहीं देख पा रहे थे, विजन लॉस हुआ था, तो उसको कैटरैक्ट सर्जरी से वापस ला सकते। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दैट करेक्शन, उसके ऊपर स्टडी करेंगे।